लेबर आ रही थी ट्रैक्टर से ननौरा से, ट्रैक्टर और मैं जो ट्राली लगी रहती है तो उसमें 20 लेबर बैठी थी ट्राली में। ट्राली का जो हिच होता है, बीच का जो कुंदा होता है लगने वाला, वो कुंदा टूट गया और ट्राली जो है पलट गई। ड्राइवर तो आगे निकल गया था, मतलब ट्रैक्टर आगे निकल गया, उसको रोका। ट्राली जब पलट गई तो लोगों ने देखा, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए सब ने जो है बड़ी ताकत लगा के जो है उसको सीधा कराया। पुलिस भी पहुँच गई, पुलिस ने भी अपना सहयोग किया वहाँ पहुँच के, फिर एम्बुलेंस वगैरह से सब लोगों को जो हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उसमें करीब जो है 15 लोग करीब घायल हो गए हैं। हाँ, महिलाएं हैं उसमें, ज़्यादातर महिलाएं हैं, 2-3 पुरुष हैं। ये लोग कृषि कार्य करके लौट रहे थे कहीं खेत से, और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, उसमें 19 लोग घायल हो गए और एक की डेथ हो गई है और 3 मरीज झांसी रेफर कर दिए गए। और अभी डॉक्टरों की टीम पूरी काम कर रही है, सब स्टाफ लगा हुआ है, बाकी सब खतरे से बाहर हैं। और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि श्रीनगर से कुछ मजदूर ननौरा के लिए जा रहे थे ट्रॉली से, ट्रैक्टर ट्रॉली से, उसमें दुर्घटना हुई है। उसमें अभी तक जो अस्पताल में 19 लोग उसमें भर्ती हुए हैं, जिसमें से अभी अभी हाल में मुझे पता चला है कि उसमें से जो कुछ लोगों को रेफ़र किया जा रहा है, एग्जैक्ट संख्या अभी नहीं पता कितने लोगों को रेफ़र किया जा रहा है। लेकिन अभी जैसा कि CMS ने बताया, CMS मौके पर हैं, हम लोग घायलों के इलाज को प्राथमिकता देते हुए उनको सबसे पहले अटेंड करवा रहे हैं। CMS साहब ने जो बताया कि एक किसी महिला की जो है वो सिर पर वो है, मतलब सिर पर चोट है, तो वो ज़्यादा गंभीर लग रही है। इसके अलावा अन्य जो हैं जो उनका इलाज प्रॉपर जो किया जा रहा है। सर, कुछ लोग रेफर भी किया जा रहे हैं? हाँ, जैसा कि अभी भी मुझे पता चला कुछ लोग रेफर किए जा रहे हैं, शायद 2 या 3 लोग रेफर किए जा रहे हैं। आर्थिक सहायता की बात की जा रही है? नहीं, वो हम सबका पता करवा रहे हैं, जो दुर्घटना में जो जिनको जो अनुमान्य सहायता जो होती है वो हमारे जो है जो तहसील की तरफ से जो भी प्रक्रिया है उसका जो है वो करवाया जा रहा है। सर, ये मजदूर किस काम के लिए गए? जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि ये मजदूर मूंगफली वगैरह की खेती जो इस समय जो है वो मूंगफली कटवाने के लिए जा रहे थे। ये श्रीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चितैयन गांव पड़ता है, वहां पर ये कुछ श्रमिक आ रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली पर, वहां पर ये अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटी जिसमें एक्सीडेंट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ। जैसी सूचना पाई, पुलिस प्रशासन टीमें मौके पर पहुंची, सभी को CSC लाया गया, उसके बाद जिला अस्पताल। अभी तक कुल जो है 19 लोग आए हैं जिला अस्पताल में, जिनमें से एक की
स्थिति गंभीर है, शेष को डॉक्टर्स के अनुसार आउट ऑफ डेंजर बताया गया है। सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए कहा गया है और सभी का उपचार किया जा रहा है। कितने लोग ये मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, जो अभी संख्या हमारे सामने यहाँ एडमिट होने की है वो 19 है, मैंने आपको रेफर किया। हाँ, एक जो अभी एक पेशेंट को रेफर किया है, एक को शायद और कर रहे हैं, अभी जैसा डॉक्टर उचित समझ रहे हैं बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के लिए उनको रेफर किया जा रहा है।